नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। हर बार की तरह हम आपको एक बड़ी शख्सियत के साथ रूबरू करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन रजत बेदी जी। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम जी, हमारी एंकर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ शीतल विज जी के आशीर्वाद से, तो मैं शीतल विज जी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया आपके आगे आने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल, हाँ, आपकी ये जो लुक, आपका हेयर स्टाइल कुछ खास कहता है, कुछ वजह है इसके पीछे? नाउ यू कॉट मी बाय सरप्राइज। नहीं, ये वजह है क्योंकि मैं दैनिक सवेरे के आगे हूँ और मैं थोड़ा अपना पर्सनालिटी और लुक आगे अपने ऑडियंस के लिए बदल के आना चाह रहा था, तो इसीलिए आज मेरा एक नया लुक है और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही दिखा करूंगा आगे। रजत बेदी अभी न्यू क्या कर रहे हैं? सो मेरे साथ नए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो एज एन एक्टर मैं एक हाल ही में एक पंजाबी फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ और हिंदी फिल्म भी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी फिल्म की प्लानिंग चल रही है जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, जो जिनकी अनाउंसमेंट होने वाली है हाल ही में। मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता उनके बारे में क्योंकि उनकी अब रिकॉर्डिंग चालू है फिल्म के लिए, बट बहुत ही बड़ा बैनर है, बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। तो आई बी डूइंग हिज हिंदी फिल्म और साथ में हम एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी चीज़ें प्लान हो रही है पंजाबी में भी और हिंदी में भी। पंजाबी में हमने वाइटल प्रोडक्शंस, जो काफ़ी फिल्में बनाते हैं पंजाबी में, उनके साथ हमारी कंपनी है डलमोरा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जी, और हमने लास्ट पिछली जो तीन बड़ी फिल्में आई हैं वाइटल के साथ, जो हैं पंजाब 1984, सरदार जी 1, सरदार जी 2, ये सारी फिल्में हमने मिलकर बनाई हैं और आगे भी दो तीन फिल्मों की लाइन अप हो रही है जो दिलजीत दोसांझ के साथ एक है और बाकी एक सैराट करके मराठी की बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी जिन्होंने 100 करोड़ का धंधा किया था, उनकी रीमेक बन रही है। और एक और फिल्म है जो पंजाबी में, एनीवे वो वाइटल के साथ हमारी कंपनी बनाती रहती है। बाकी हिंदी में जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट उसमें हम उस पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सर, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि जिस तरह से आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हिट गई हैं, लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि आप एक तरह से कट गए थे फिल्मों से, उसके पीछे की जो वजह है दर्शक? नहीं, मैं कट नहीं गया था, मैं अपने आप को जानबूझ के कहो या मैंने अपने आप एक ब्रेक ले लिया क्योंकि मैं बहुत एक्चुअली मेरे दिल में काफ़ी था कि मुझे हमेशा बिजनेस के बारे में ख्याल आता था, बिजनेस क्यों ग्रो करना चाह रहा था जी। और फिल्में करके मैंने काफ़ी मेहनत की, आप नहीं मानेंगे, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मैंने करीबन 40 फिल्में की हैं और जितनी मेहनत की मुझे उसका फल नहीं मिल रहा था। मतलब चाहे कोई मिल गया कह लो, इंटरनेशनल खिलाड़ी कह लो, चोर मचाए शोर कह लो, रॉकी कह लो, अंश, मतलब पिछले सक्सेसफुल होती थी बॉक्स ऑफिस में, काफ़ी पिछले सक्सेसफुल हुई हैं, सनी के साथ भी मैंने इंडियन, माँ तुझे सलाम और हीरो, ये मतलब काफ़ी फिल्में, हर पिक्चर में कोशिश की कि मैं मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ जाऊँ, नेक्स्ट स्टेप लूँ, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो रही थी जो मैं दिलों चाह रहा था और मुझे ग्रोथ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो इसलिए से मैंने एक ब्रेक ले लिया इंडस्ट्री से और ब्रेक लेकर मैं कैनेडा चला गया। और कनाडा जाके मैंने अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी की, बिजनेस शुरू किया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट शुरू किया और वहीं मेरे साथ थोड़े से बहुत कनाडा की एक परिवार है, सिक्का फैमिली और ब्रार फैमिली और काफ़ी फैमिलीज, इतने अच्छे लोग मिले वहाँ पर कि उनके साथ मिलजुल के ना ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया और फिल्मों का काम भी शुरू कर लिया। सो वो एक बिजनेस शुरू हो गया, फिर टेलीविजन प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। ये साल के शुरुआत में हमने बनाई लाजवंती करके, मेरे दादाजी ने लिखी थी, राजेंद्र सिंह बेदी जी ने। लाजवंती एक बहुत अनोखी कहानी है, लव स्टोरी, जब पार्टीशन के टाइम, जब हिंदू इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, उसके बैकड्रॉप पे एक लव स्टोरी और कैसे वो लव स्टोरी दिखाया जाता है। तो वो काफ़ी टाइम चला जी प्राइम टाइम पर, बाकी आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी सिस्टर बहुत बड़ी राइटर भी है टेलीविजन में,
तो देश में निकला होगा, चांद, मेहंदी तेरे नाम की, और काफ़ी मतलब उन्होंने लास्ट 20 साल में बहुत सारी हिट सोप्स लिखे हैं। अशोका जो चल रहा है हिस्टोरिकल, वो मेरी सिस्टर ही लिखती हैं, और उन्होंने करण जोहर की जो ऋतिक की सबसे बड़ी हिट थी अग्निपथ, वो मेरी सिस्टर ने लिखी है करण जोहर के लिए। सो आगे काफ़ी प्लानिंग चल रही है टेलीविजन के लिए भी और फिल्मों के लिए भी, और जो सबसे बड़ी प्लानिंग है आप कह रहे हैं बाद में जिक्र करना उसका, तो हम बाद में जिक्र करेंगे उसके। सर बिजनेस की बात चल रही है तो मैं बिजनेस पर एक सवाल करूंगा कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने इस बिजनेस को लेकर? देखो मैंने आदमी का वक्त जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो शुरुआत में जब मैंने बिजनेस किया तो मतलब आसमान छू लिया, और वाकई मैंने आसमान छू लिया, और मेरा ऐसा टाइम भी आया जहाँ मैं सब कुछ खो गया। मैं सब कुछ खो चुका, बट ऐसे अच्छे परिवार मिले और दोस्त मिले कनाडा में और इंडिया में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फिर से साइकिल मिला है। और मैं जब कह रहा हूँ मैं बहुत बड़े लेवल पे चला गया था, तो बहुत बड़े लेवल पे चला गया था। यस, बट वो कर्व ऊपर जाके वापस आकर ऊपर, ये तो उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव लाइफ का है, तो वो उसका हिस्सा मैंने भी टेस्ट कर लिया है। एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, ज्यादा मजा किसमें आता है? सच्ची बोलूँ तो एज एन एक्टर मजा आता है। वो जो कला की भूख है, जो परफॉर्मेंस की भूख है, वो कभी नहीं मरती है कलाकार में। तो मैं ये जो इतना बड़ा गैप रह चुका है तो इंडस्ट्री को काफ़ी मिस करता हूँ, और ख्वाहिश तो यही है कि फिर से वो बड़े पर्दे में या छोटे पर्दे में वापस काम करूँ और अपने मन को तसल्ली दूँ। वैसे आपके जो फैंस हैं वो आपको मिस भी बहुत करते हैं, हकीकत है ये? Yes, क्योंकि आपका फेसबुक पेज मैंने देखा है जिसमें आपके फैंस हैं, उन्होंने काफी बार लिखा है कि आपकी नई फिल्म कौन सी आएगी, कब पर्दे पर आएंगे। Yes, तो मुझे लगता है कि उन फैंस की खातिर ही आपको एक बार दोबारा से उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप बिजनेस ज्वाइन करके और बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर गए थे, मुझे लगता है कि इस पर आना चाहिए दोबारा से। नहीं नहीं, फैंस के करके ही नहीं, बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं, यू नो, मेरे को, मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, और भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत यूनिक हाइट बॉडी पर्सनालिटी है जो किसी के पास नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इससे कैश किया जाए, और ये बड़े पर्दे के लायक ही है और पर्दे पे ही रहना चाहिए इसे। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस, तो आप जलंधर बिजनेस के सिलसिले में आए या मूवी शूट के लिए? नहीं, हमारे एक मैं दोनों सिलसिले से आया हूँ, बिजनेस के सिलसिले से भी और एक फैमिली फंक्शन के लिए भी आया हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड हैं, केवल चौधरी जी और सनी चौधरी, तो उनके घर पे उनके उनके कजिन्स की शादी है, अंकुश चौधरी की जी। तो उस सिलसिले से एक्चुअली मैं आया हूँ। और बाकी मुझे एक पंजाबी फिल्म के लिए ऑफर आया हुआ है जिसकी नरेशन है कल जी। तो अब वो फरवरी में शूटिंग शुरू होने वाली है जी, जी, जी। तो उस सिलसिले भी उस ये सर वही बात है जो मैंने कहा था बाद में करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं वो अलग बात है। अच्छा। ये पंजाबी फिल्म अलग है, तो ये वो हिंदी फिल्म है जिसकी बात आपसे कर रहे हैं। तो सर ये जो फिल्म है इसका नाम भी बता दीजिए। कौन सी फिल्म? नहीं, इस फिल्म, ये फिल्म का अभी तक टाइटल उन्होंने सोचा नहीं है, सोचा, डिसाइड नहीं किया हुआ, बट वो दो दो परिवारों के बीच में जैसे एक लड़ाई है, वो परिवार इकट्ठे कैसे होते हैं, और वो पिंड की स्टोरी है पूरी, जमींदारों की स्टोरी, तो उस दायरे के। तो सर इसमें भी आप नेगेटिव रोल में आएंगे? नहीं, इसमें मैं पॉजिटिव रोल में आऊंगा। पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल। वैसे सर इन दोनों रोल्स में आपको अच्छा क्या लगता है? क्योंकि ज्यादातर आपके जो फैंस हैं मेरी नज़र से वो आपको नेगेटिव रोल में ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक जो नेगेटिव रोल है वो ज़्यादा टफ होता है लीड रोल के मुकाबले। मेरे करियर में जितना भी काम मैंने किया है, पॉजिटिव भी काफ़ी रोल्स किए हैं और नेगेटिव भी काफ़ी रोल्स किए हैं, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा आया है नेगेटिव रोल्स करने में, क्योंकि एज एन एक्टर आपको ज़्यादा परफॉर्म करने और कला दिखाने का मौका मिलता है नेगेटिव रोल्स में। मैं ये मैं परसों जायद खान के साथ था उसके घर पे, तो जायद के साथ यही बातें चल रही थी कि यू नो, क्योंकि संजय खान जी भी थे साथ में और जायद भी था, संजय खान जी ने थोड़ी सी हेल्प की थी एडिट करने में वो फिल्म रॉकी, क्योंकि रॉकी बहुत बड़ी फिल्म थी जायद के करियर के लिए, और उसमें मैं लीड नेगेटिव प्ले कर रहा था। तो हम यही जिक्र कर रहे थे वो, क्योंकि अब जायद को, जायद नेगेटिव रोल करने जा रहा है,
उसकी अगली फिल्म में वो एक नेगेटिव रोल किरदार करने जा रहा है। तो जायद भी मेरे से ये कह रहा था कि यार जो मज़ा नेगेटिव करने में आता है वो पॉजिटिव करने में नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का ट्रैक एकदम सीधा रहता है, वो प्यार करता है, थोड़ा सा एक्शन कर लेगा ये, बट जो नेगेटिव होता है उसे एक जान डालनी पड़ती है, एक हट के काम करना पड़ता है ताकि लोग पसंद करें और वो हट के निकले स्क्रीन से, आप समझ रहे हो। तो ज़्यादा मज़ा डेफिनेटली, अगर आप देखोगे शाहरुख की भी सारी फिल्मों से, मगर डर में जो काम किया उसने वो कभी कोई भूल नहीं सकता, आप समझ रहे हो। वो मतलब वो एज ए हीरो आप कॉमेडी कर लेते हो, थोड़ा सा प्यार कर लेते हो, गाने गा लेते हो। आप अगर आमिर जी, आमिर खान को भी देख लो, अगर आप उनकी फिल्में देख लो, गजनी और ये सारी चीज़ें, जो जो थोड़ा सा बहुत नेगेटिव का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत कला का स्कोप होता है, उसमें परफॉर्मेंस का स्कोप होता है और मज़ा बहुत आता है। जी, इंडस्ट्री में ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ अभी तक काम करके बहुत मजा, जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया। मैं सच्ची बोलूं, मुझे संजय दत्त से सबसे ज्यादा प्यार है। बाबा ने जो मेरे ऊपर हाथ रखा था, अच्छा। तो मैं शुरू में संजय दत्त के साथ, मतलब ये डेविड की फिल्म थी जोड़ी नंबर वन, उसमें मुझे डेविड ने पहला मौका दिया कि रजत तू गेस्ट अपीयरेंस करेगा मेरे लिए, पूरी पिक्चर तेरे कैरेक्टर से ओपन होती है पिक्चर की जान तू है और वाकई जान मैं था, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है पिक्चर की। तो गोविंदा और संजय दत्त के साथ मेरा पहला दिन काम का, और मैं घबराया हुआ, संजय दत्त ऊपर से डेविड धवन डायरेक्टर और मैं एक छोटा एक्टर, और ये पूरी एक्शन सीक्वेंस थी। तो मैं बाबा को गया, मैं बोला बाबा यू नो मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, मैं नया हूँ, आप तो इतने सीरियस हो। और एक्शन में क्या था कि मुझे संजय दत्त को मारना था और गोविंदा को भी मारना था, दोनों को मिलकर। तो गोविंदा जब मेरे पास मिला तो सीधा डेविड को, हे डेविड इसको दूर रखा, ये बहुत टॉल है मेरे साथ, इसकी पर्सनालिटी ओवरशैडो कर जाएगी मेरे को। अच्छा, संजय दत्त ने कहा? नहीं नहीं, गोविंदा ने कहा, क्योंकि वो वाकई मेरे को ऐसे देखे, भाई तू किधर से आया, मेरे सामने मत, दूर से मेरे से बात कर। तो मैंने बोले चीची को बोला, भैया अभी जो भी है ये परफॉर्म तो करना ही है। तो मुझे संजय दत्त को मारना था जी। तो मैं अभी डरने लगा कि यार मतलब सीक्वेंस ऐसा जमाया हुआ था। तो मैं बाबा को साइड में ले गया, मैंने कहा बाबा देखो अभी मैं करूँगा ये, वो बाबा बोल रहे हैं अभी तू मार, तेरे को जितना मारने का मार। मेरे को ऐसा प्यार से सपोर्ट दिया उन्होंने, इतना प्यार से बोला, रजत तू सोच मत मैं कौन हूँ और वो चीची कौन है, तू दोनों को ठोक अभी, खाली तू लेफ्ट राइट नहीं देखना, ठोकते जा तू हम लोग को। और वाकई मैं बोलूं वो एक्शन सीक्वेंस जो इतना छोटा सा था, डेविड जी हिल गए जब काम देखा डेविड जी ने, क्योंकि वो पत्तों की गेम पर और फिर एक्शन शुरू होता है, और एक्शन मेरा एक बहुत फेवरेट चीज़ है, क्योंकि मैं एक्शन बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, जो जान डाल के, और क्योंकि दो बड़े कलाकार के साथ एक नया कलाकार जब आता है आप कैसे परफॉर्म करोगे, आप समझ रहे हो, जो एक फियर होता है ना, मैं वो फियर को निकाल कर जो धुलाई में मैंने की बाबा और चीची की, मतलब डेविड जी कुड नॉट बिलीव इट, डेविड जी बोले रजत कमाल कर दिया, अगली फिल्म के लिए साइन कर दिया, जो थी चोर मचाए शोर, बॉबी के साथ। वो बोले रजत तू खा गया, मतलब वो सीन देखकर बोले भाई मुंबईया भाषा है ना, हाँ मुंबईया भाषा, हाँ तू खा गया भाई तू, ये मतलब इतना छोटा था। बट क्या होता है कभी कभी बड़े पर्दे पे आप इतना सा काम कर लो, मतलब आपको वो एनर्जी मिल जाती है वहां से। तो वहां से मेरा टेक ऑफ हुआ डेविड जी के साथ। सबसे ज्यादा अब तक का फनी मोमेंट जिसको याद करके ना आपके फेस पे स्माइल आता? तो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट था मेरा कोई मिल गया में, जो एक्चुअली फ़नी भी था टेंशन वाला भी था, राकेश रोशन जी के साथ काम करना जी। तो कोई मिल गया में मुझे राकेश जी एक सीन समझा रहे थे जी। और वाकई मैं एक बार दो बार तीन बार चार बार कैमरा के आगे कर चुका, और राकेश जी बोले यार ये मतलब उनके माइंड में कुछ वो था कि नहीं तू ऐसे परफॉर्म कर जी। तो मेरे को राकेश जी ने बुलाया ऐसे, अपने डायरेक्टर की कुर्सी थी यहाँ पर, मेरे को पकड़ा तो बैठ इधर जी। राकेश जी गए बोले अभी तू मुझे देख, बकायदा एज एन एक्टर उन्होंने सारा सीन मेरे लिए इनेक्ट किया जी। और कभी कोई भी किसी ने भी वो किया नहीं है लाइफ में मेरे साथ जी। अभी तक कोई भी डायरेक्टर ने, उन्होंने वो सीन मेरे लिए इनेक्ट किया, और मैं ऐसे देख रहा हूँ
और मैं ऐसा, मैं कौन कौन इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना प्रेरणादायक कैमरा के आगे जब राकेश जी आ जाते हैं, वो एज फादर फिगर बोलो, एज अ डायरेक्टर, हर एक्टर को सेट के ऊपर वो हर एक्टर को इक्वली ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं कि आप बड़े एक्टर हो या कोई छोटा आदमी है या ये है, नहीं, उनका उनका स्वभाव सबके साथ बहुत प्रेम के साथ. मगर वो जो समझाया उन्होंने, मेरा मेरी लाइफ बन गई, क्योंकि मैंने फट से उनको वो परफॉर्म करके दे दिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. मैं जब कोशिश कर रहा था वो अनैक्ट करना, वो अलग था, वो उनके से उनको समझ नहीं आ रहा था, और जो उन्होंने किया मेरे फट नेक्स्ट टिक में ओके कर दिया. सर मलाल रहता है जब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता. हाँ जी. और आपके जो सपने हैं वो साकार नहीं होते. कोई ऐसा सपना जो साकार नहीं हुआ हो? हाँ, सपने तो बहुत आते हैं. मगर सबसे ज्यादा तो यही है कि जो हर्ट करता है कि परिवार, हम तीजी पुश्त है इंडस्ट्री में. दादा ने बहुत बड़ा नाम किया, बहुत बड़े फादर ने उनसे भी अच्छा नाम कर दिया एज अ फिल्म मेकर. तो कोशिश यही रही है कि हम भी बच्चे, हम तीन हैं, मेरा एक बड़ा भाई भी है और एक सबसे बड़ी बहन है, हम तीनों इंडस्ट्री में ही हैं. मगर दिल में हमेशा यही ख्वाहिश, यही तमन्ना रही है कि इंडस्ट्री में कुछ किया जाए जी. जो जिनसे उनको प्राउड हो कि मेरे जिस तरह से कपूर फैमिली का नाम है. हाँ जी, ऐसा ही है. एक ख्वाहिश बहुत दिलों ख्वाहिश है कि ऊपर वाला वो रहमत कर ले कि हम कुछ करके जाए यहाँ पर. सर जैसे अभी आपने कहा कि हमारी थर्ड जनरेशन है, तो मूवीज में आने से पहले क्या आपने सोचा हुआ था कि मैं नेगेटिव रोल ही करूंगा? नहीं, ये तो कभी सोचा नहीं था. हर बंदा चाहता है हीरो बनना. हीरो बनना किसको नहीं अच्छा लगता. मगर आप किस्मत बोल लो, जो भी कह दो, ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने परफॉर्म करने के बाद यही देखा है कि यार, मतलब हीरो के ऑपोजिट कोई ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो टक्कर वाली हो. आज भी इंडस्ट्री में ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है जो हीरो के ऑपोजिट कोई टक्कर वाला हो. तो लोग मुझे हमेशा वही एंगल से देखते हैं कि रजत यार, तेरी हाइट बॉडी पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस वाइज तू बहुत फिट होता है, तू हीरो के आगे आ जा. तो अक्सर वैसे ही रोल मिलने लग गए फिर, क्योंकि एक दो फिल्में जब मैंने नेगेटिव की तो वो आपकी लास्ट फिल्म से फिर उनके माइंड में वही सेट हो जाता है, ऑडियंस के माइंड में वही सेट हो जाता है जी. तो उस हिसाब से रोल्स मिलने लग गए, उस हिसाब से काम करने लग गया, तो उस हिसाब से दौर चलने लग गया जी. फ्री टाइम में रजत बेदी क्या करते हैं? फ्री टाइम में रजत बेदी ट्रैवलिंग करते हैं ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है मुझे. तो जब मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है कहीं भी जाने का, तो और स्पेशली मैं कोशिश करता हूँ मेरे जो बचपन के यार दोस्त हैं उनके साथ मौका टाइम गुजारूँ. कोई एक दो आपके यार दोस्त हमें भी बताएं बचपन के. मेरे जो बचपन के हैं, तीन यार दोस्त हैं जो बॉम्बे में, हम स्कूल से ही बड़े हुए हैं साथ में. और मज़े की बात यह है कि हमारी जो धर्म पत्नियाँ हैं वो भी हमारे साथ स्कूल से ही हैं. सो और हम तीनों चारों के यू नो, वी ऑल हैव बॉय गर्ल. तो मतलब वाकई हम सारी तीन फैमिलीज, चार फैमिलीज स्कूल से ही इकट्ठे हैं, और आज भी वही बॉन्डिंग है, वही बच्चों के साथ है, एक परिवार जैसा हो गया है. क्योंकि जो आपको प्यार, जो दोस्त बचपन में मिलते हैं वो आज नहीं मिल सकते हैं. आपसे जो प्यार उनके साथ रहता है तो वो थोड़ा अलग, वो एज परिवार हो गया, मैंने आपकी फैमिली हो गई. सो वो काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ उनसे. अब मेरा रहना कनाडा में है, मैं काम के सिलसिले से अप डाउन करता रहता हूँ मैं इंडस्ट्री में. सर जिस तरह से आपने संजय दत्त की बात की थी, उनके जीवन पर एक फिल्म की बात चल रही है बनाने को लेकर, अगर आपको ऐसा मौका मिलता फिल्म बनाने को लेकर या लीड रोल करने के लिए, तो आप आगे आते? एज रियल लाइफ संजय दत्त की जो, मैं उनके लाइफ मतलब खुशी भी रही है, गम भी बहुत रहा है. तो अगर आप कहो कि ऐसी स्टोरी दोहराना, नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं कर पाता. क्योंकि इट इज़ मगर देखो, एज ऑडियंस, जनता देखना भी चाहती है कि संजय दत्त की मतलब ये जो उतार चढ़ाव हुआ है उनकी ज़िंदगी में, हालांकि जितने भी बहुत कंट्रोवर्शियल उतार चढ़ाव रहा है, जितने भी सर एक्टर्स रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर, उन्होंने यही कहा है कि नहीं, उनका जो रोल करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. संजय दत्त ने भी खुद माना है कि मेरी भूमिका अदा करने किसी एक्टर के लिए
फिलहाल जो एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, मानते हैं सर? डिफिकल्ट है ये पक्की बात है, मगर मज़ेदार है वो भी पक्की बात है। हाँ, क्योंकि बाबा का लाइफ रहा है बहुत ही यूनिक, यू नो, ऊपर वाले ने उस पर बहुत कृपा बख्शी है, मगर बहुत दुख भी दिया है। और बाबा बहुत दिल का प्यार आदमी है, क्योंकि जितना भी टाइम मुझे सेट पर बाबा के साथ मिला है, मैं सच्ची कहूँगा इतना दिल का भोला और अच्छा आदमी है। देखो, मेरे को दो तीन जो एक्टर्स हैं, स्पेशली सलमान भी, सलमान के साथ भी वक्त गुजारने में मुझे दिल के बहुत साफ और अच्छे इंसान लगे, यू नो। आज अगर भगवान की कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं सारे, तो और दोनों का वक्त काफ़ी ख़राब रहा। हाँ, दोनों का वक्त काफ़ी ख़राब रहा। चलो, बचपना सब में होता है, कोई मिस्टेक्स जानबूझ के नहीं होती, पर अनजाने से हो जाती हैं। तो बाबा से भी अनजाने में काफ़ी गलतियां हो गई हैं, हो गई होंगी, गुमराह हो जाते हैं। फिर आपका माहौल ऐसा हो जाता है कि दोस्त यार ऐसे मिल जाते हैं कि आपको गुमराह कर देते हैं जब आप गलत माहौल में होते हैं। और ये बाबा के साथ अक्सर हुआ है कि उनके इर्द गिर्द जो दोस्त यार रहे हैं, तो उनके थोड़े से माहौल खराब करके तो उनको गलत राह पे ले गए। बट बाबा, एक चीज़ मैं कह दूँ, इससे खूबसूरत दिल वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। बाबा और सलमान जैसा, ये दिल के राजा हैं, राजा मतलब। अच्छा, बाबा एक और यूनिक चीज़ बाबा के साथ थी कि बाबा मेरे साथ सेट पे था और एक छोटी सी बच्ची आई, उनको मिलना चाह रही थी, और मिल के उसने बाबा के हाथ में कुछ ऐसे अपने दिल से दिया, और छोटी सी बच्ची थी। मैं दो मिनट में देखा बाबा की आंखों में आंसू निकलने आ गए। ओह माय गॉड। तो आई वाज लाइक, ये क्या आदमी है, मतलब दिल का एकदम मोम, कहते हैं ना मोम, ऐसा ऐसा आदमी है। मेकअप वैन में जब हम बैठ रहे थे, तो एक जो हमारे डेविड धवन का असिस्टेंट आता है सीन लेकर, तो काफ़ी डायलॉग्स बाबा के थे और काफ़ी डायलॉग्स चीची के थे। तो बाबा उसको बोलता है, मैं इतने डायलॉग बोलूंगा नहीं, जितना बुलवाना है चीची को दे, मेरे सारे लाइन चीची को दे, मेरे को कम बुलवा दे बाबा को दे। और वाकई ये हुआ, क्योंकि चीची लेट आया सेट पे उस दिन, 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आया। तो हम, मैं, डेविड जी, संजय दत्त, सब ऐसे ही बैठे हुए कि चीची जी आएंगे तो काम शुरू होगा और करेंगे। तो इतने गुस्से में भी थे सारे, बाबा भी गुस्से में था, डेविड जी भी गुस्से में, पर जब चीची आए सब किसी मुंह में स्माइल, काम करने मगर जो जितने बाबा के लाइंस थे वो चीची को दे दिए कि तू बोल, मैं खाली एक दो लाइनें बीच में बोलूंगा। जी बिल्कुल। म्यूजिक कैसा पसंद है, पुराने सॉन्ग्स या न्यू? मुझे पुराने तो किशोर के बहुत पसंद है, मतलब मैं डे नाइट सुनता रहता हूँ। मगर आप अगर मुझे कहेंगे कि कोई गाना गा लो या कोई गाना जिक्र कर लो, मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मैं, इतने गाने हैं किशोर के, तो पता ही नहीं लगेगा। नहीं सर, ये नहीं कहेंगे। हाँ जी। मैं कहूँगा। हाँ जी। जी, लेकिन बाद में कहूँगा। ओके, कोई बात। हाँ जी। तो फ्री टाइम में क्या करते हो? बिजनेस? फ्री टाइम में बिजनेस तो मेरे माइंड में 24 घंटे चलता ही रहता है। मुझे मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं उसको बाजू नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज सी टू इट, मैं हर अपॉर्चुनिटी को देखूँ, परखूँ, और अगर हो सके तो करूँ। रजत बेदी पंजाब आए हैं, क्या उनको खाना कौन सा पसंद है? क्योंकि मोस्टली लोगों को पंजाबी खाना ज़्यादा पसंद है। मेरे कुलचे, मेरे पराठे, मेरे मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, और मेरे छोले भटूरे, मेरे मतलब पंजाबी फूड से बेहतर कोई फूड नहीं है दुनिया में, कोई फूड नहीं है। मतलब यहाँ आकर मैंने आया, मैं दरबार साहब मत्था टेक के, मेरा अच्छा स्नान हुआ सरोवर में बाबा जी की कृपा से, मैं निकला और जलंधर आते वक्त मैं देखा कि मैं बीच में ढाबे पे रुकूं, मैं दो पराठे खाए और फिर मैं आगे निकला। अच्छा, वहां सर पहचाना लोगों ने आपको? हाँ, पहचाना तो ऊपर वाले की कृपा से, हर जगह जाता हूँ लोग पहचान लेते हैं। जी, वो ऊपर वाले ने कृपा रखी है मेरे ऊपर। जी, समाओ जी, पंजाबी मूवीज भी की है और बॉलीवुड मूवीज की। हाँ जी। ज्यादा मजा कौन सी मूवीज करके आता है? बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में तो मज़ा आता ही, मगर पंजाबी की जो ग्रोथ हुई है अभी, और पंजाबी सिनेमा काफ़ी चेंज हुआ है, और देख के खुशी भी होती है, और पंजाबी सिनेमा वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट हो रहा है, उसकी वर्ल्ड रिलीज होती है पंजाबी सिनेमा की, और जो आजकल फिल्में बन रही हैं वो
पहले जैसे स्टूपिड फिल्में नहीं है जो पंजाबी में बनती थी, आजकल सेंसिबल सिनेमा बनी है, बन रही है, बजट्स बढ़ गए हैं पंजाबी सिनेमा के, दे एज पैरेलली एज मतलब बॉलीवुड के बी ग्रेड की फिल्मों के बजट्स हो गए हैं, 10-10, 15-15 करोड़ के बजट्स हो गए हैं बॉलीवुड के। जैसे हमने सरदार जी 1 और सरदार जी 2 बनाई है, इसमें 12-14 करोड़ की तो ये बजट थी फिल्म की, आप समझ रहे हो। तो इट्स वेरी गुड टू सी के हमारा हमारी एक्सेप्टेंस, पंजाबी कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड और एक्सपोजर और इसकी रिकवरीज बहुत बड़े स्केल में होने लग गई हैं। हॉलीवुड में भी सर चांस मिलेगा तो जाना चाहेंगे? 100% और मुझे लगता है कुछ ना कुछ होएगा ही जल्दी हॉलीवुड में। मेरे पास एक हॉलीवुड का एजेंट है, एजेंसी है, तो वो बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ होगा तो मैं जरूर काम करूंगा उधर। इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके साथ अभी आप काम करना चाहते हो? इंडस्ट्री में देखो, मेरे को अगर लाइफ में चांस मिल गया ना तो सलमान और संजय दत्त के साथ तो पक्का करना चाहूंगा। मैंने अमित जी के साथ और शाहरुख के साथ नहीं किया, बाकी लगभग सबके साथ काम किया है। नई जनरेशन तो अब आई है तो नई जनरेशन लुकिंग फॉरवर्ड अगर उनके साथ मौका मिल गया, बट जो पुराने हमारे तुर्रम खान है सारे, उनमें से तो अमित जी और शाहरुख हैं जिनके साथ काम नहीं किया। इनके साथ वक्त ज़रूर गुजारा है काफ़ी, बट काम नहीं किया बड़े पर्दे पर। सर जिस तरह से आपने अमिताभ बच्चन की बात की है, तो आपके जो पिताजी, हाँ जी, अमिताभ बच्चन को खड़ा करने के लिए, स्टैंड करने के लिए आपके पिताजी भी एक अहम किरदार, यस इनफैक्ट जया जी पापा को राखी बांधती थी, जया बच्चन, और जया जी का बहुत बड़ा हाथ है उस वक्त जब अमिताभ, क्योंकि उस वक्त क्या था, पापा और राजेश खन्ना बेस्ट फ्रेंड्स थे, पापा ने राजेश खन्ना के साथ मतलब उनका मतलब आप बोलो ना जैसे वो दोनों एक थे, पापा और राजेश खन्ना, मगर उस वक्त बच्चन साहब की चढ़ाई हो रही थी और राजेश खन्ना सुपर डुपर स्टार थे बॉक्स ऑफिस पे, पर पापा ने टैलेंट देखा अमित जी में, और अमित जी काफ़ी घर आते थे उस वक्त, जब मैं छोटा था तो मैं अमित अंकल को मिलता था और यू नो पापा के लिए वेट किया करते थे हॉल में कि बेटा पापा फ्री हो तो मुझसे बात करा लेना और ये सब, बट उन्होंने जया जी ने जो पापा के पापा को हमेशा बोला करती है कि यू नो अमित को लेकर आगे ले चलो, तो पापा ने ऑल्सो शॉर्ट वेट के उन्होंने फिर अमित जी के साथ बेनाम शुरू की जो सुपर डुपर हिट हुई, फिर अदालत बनाई जो उससे भी बड़ी एक हिट हुई, फिर उन्होंने प्रकाश मेहरा जी को जंजीर या मुकद्दर का सिकंदर, एक्चुअली पापा डायरेक्ट करने वाले थे मगर प्रकाश जी को दिया वो फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो उनके उनके करियर के एक बहुत अहम और अपकमिंग मोमेंट में पापा का बहुत बड़ा हाथ था। और आज भी अगर आप बच्चन साहब के घर जाओगे तो उनकी एक उनके स्टेयरकेस पे ना एक वॉल ऑफ फेम है जिनकी वजह से वो उनकी चढ़ाई हुई है, तो वो स्टेयरकेस का अहमियत ही है कि उनके करियर के जो सारे डायरेक्टर हैं उनकी फोटोएं लगी हुई हैं। वाह, मनमोहन देसाई, अच्छा। पापा, तो मतलब काफी डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चन साहब बच्चन बने, तो उसी तरह से लगाई है वे, उसी तरह से उनके एक स्टेयरकेस पे वो लगी हुई सारी फोटो। सर अभी हमारे पास समय की बहुत कमी है और जिस तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, लेकिन उनको वही बेसब्री से इंतज़ार है कि जिस तरह से हमने एक पर्दा जो रखा था शुरू में, तो मुझे लगता है कि वो हमें उठा देना चाहिए। और कामा में हमने पहले ही कहा था कि हम बाद में बात करेंगे, सो हम बात करने लगे हैं। हाँ, तो कामा गाटा मारू फिल्म के बारे में बात करेंगे आपसे कि वो जो फिल्म है आप बनाने जा रहे हैं और इसी तरह की जो एक फिल्म है वो सलमान खान साहब भी कर रहे हैं। हाँ जी, अभी अभी सलमान जी की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है कामा गाटा मारू, जो अजय बिरमानी जी उनके सलमान खान प्रोडक्शंस के साथ बनाने जा रहे हैं, बट ये फिल्म पर हम 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि वो भी बनाने जा रहे हैं, बट अगर भगवान की कृपा रही और सब कुछ ठीक हो गया तो हम भी पैरेलली ये शुरू करने जा रहे हैं कामा गाटा मारू, और जो पूरी इंडस्ट्री को हाल ही में पता लगेगा। वैसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके दैनिक सवेरा में हुई है और भगवान करे कि, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे लगता है कि बेदी साहब उस फिल्म के जो हीरो हैं उनका नाम आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ जी, अभी नहीं बताऊंगा मगर क्योंकि हमारी फाइनल स्टेज पर मीटिंग चल रही है और बट इंडस्ट्री को पता लगेगा एंड इट विल बी मतलब वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे पंजाब के लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात है जी। और
इनफैक्ट ये जो कामाघाटा मारू के प्रोड्यूसर भी जो हैं मिस्टर दलजीत थिन मोंटी सिक्का और रिक ब्रार, वो भी साथ में ही हमारे नीचे बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में जी। तो बाकी काफ़ी काम बैक एंड पे हमारे काफ़ी काम बहुत आगे के लेवल तक चल रही है इस पर। सर जाते जाते पूनम आपसे एक सवाल पूछेंगी, उसके बाद दो सवाल मैं पूछूंगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। कोई बात नहीं। आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आई लव यू एंड प्लीज़ हौसला मत तोड़ना। मैं फिर आ रहा हूँ इंडस्ट्री में और फिर पर्दे के आगे आऊँगा और मेरी फिल्में ज़रूर देखना। एंड यस दैट्स अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाट टू से मच फैंस को ना, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक हो चुका है, बट मैं हाल ही में जल्दी वापस आऊँगा पर्दे पर। सर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कास्टिंग काउच क्या एक नासूर है? देखो ये जो कास्टिंग काउच की बात होती है ना, ये मैं कहूँगा ये चीज़ फिक्टिशियस भी है, मगर हर इंडस्ट्री में ये कास्टिंग काउच, खाली हमारी इंडस्ट्री में नहीं है ये हम बदनाम हुए हैं क्योंकि हम ग्लैमर रिलेटेड हैं, मगर अगर आप देखने जाओ काफ़ी कॉरपोरेट सेक्शंस में ये भी काम होता है, अगर होता है गलत, ये सब जगह होता है, पर हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा ग्लोरिफाइड है क्योंकि यहाँ सारे खूबसूरत लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बट यस आई मीन इतना भी नहीं है जितना लोग कहते हैं, बट थोड़े से गलत लोग हैं इंडस्ट्री में जो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये ज़रूर है इस ये करप्शन कहो या जो भी कहो, गलत चीज़ें होती हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट बहुत कम और बहुत गलत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सर पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं एक्चुअली आई रियली लुक अप टू हिम, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात के साथ किया, उन्होंने उनके बिजनेस कम्युनिटी के साथ किया और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यू नो उन्होंने ये जो बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ डीमोनेटाइजेशन का, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेप, बट एट द सेम टाइम इट्स उन आई डोंट नो अगर टाइमिंग राइट था और जिस हिसाब से उन्होंने ये काम किया, क्योंकि आज तक जिन बिजनेसमैन लोगों के साथ या जिनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, हर बंदा सफ़र कर रहा है, हर चीज़ पॉज पे लेकर आ गए हैं, हर बंदे को पता नहीं कि अब आगे कोई भी बिजनेस हो उसने आगे कैसे जाना है। हर मतलब अगर आप जीडीपी भी देख लो हमारे देश का, वो गिरने वाला है क्योंकि हर चीज़ पॉज पे है फिलहाल। सो उनकी सोच बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट, वो करप्शन निकालना चाहते हैं, मगर किस लेवल तक करप्शन को करेक्ट कर सकते हैं? अभी मैं इसे ऐसे सोचता हूँ कि अगर हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल हो और हमारी क्लास हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, आप सबको कह दो कि कल से आप शैतानी नहीं करोगे, इज़ दैट पॉसिबल? नो, आपको ज़रूर वो थोड़े अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, थोड़े एवरेज स्टूडेंट मिलेंगे और थोड़े गलत स्टूडेंट्स मिलेंगे। अभी वो चीज़ तो होनी ही होनी है, आप अगर कोशिश कर रहे हो सुधारने की, 100% सुधार होगा, किस लेवल पर होगा वो नहीं पता। ये ब्लैक मनी हमारी एक जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ब्लैक मनी कह दो या जो भी कह दो, उसे चलाती है। आई डोंट नो कि अगर वो उसे इरेज कर पाएंगे कि नहीं, मगर इट्स अ वेरी गुड ट्राई, इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब पूरी वर्ल्ड ओवर पीपल आर लुकिंग अप टू मोदी जी, हमारे आई थिंक ही इज़ डन एन ऑसम जॉब, बट वी शुड ऑल सपोर्ट हिम, बट आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज़। कभी मौका मिला तो पॉलिटिक्स में आएंगे? कभी मौका मिला तो पॉलिटिक्स में आएंगे। एक्चुअली मुझे ऑफर आया था पंजाब से ट्रेन होने का कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, बट उस वक्त तो सोचा था नहीं नहीं पॉलिटिक्स मेरे काम की चीज़ नहीं है, मगर अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं पंजाब में कोशिश करूँगा अगर करने के लिए, क्योंकि मेरा प्यार बहुत है पंजाब के साथ। एंड अगर मैं कुछ कर पाऊँ अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये थे रजत बेदी जी, जिन्होंने हमारे साथ और आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो दिल को छू जाने वाली हैं। सबसे बड़ी अहम जो मैंने इसमें से एक क्रिस्प निकाला है वो ये कि जिस तरह से इनके दादाजी, इनके पिताजी फिल्म उनकी जो देन है फिल्म इंडस्ट्री को, उसके बावजूद भी अभी तक इनका जो
नाम है वो फिल्म इंडस्ट्री में उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिसका ये सपना देख रहे हैं। मैंने हालांकि इनसे सवाल भी किया कि कोई ऐसा सपना जो उनका साकार नहीं हो पाया हो, तो थोड़ा सा दबे शब्दों में ही सही, लेकिन इन्होंने अपनी जो भावना है वो हम सबके साथ व्यक्त ज़रूर की है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बेदी साहब ने ये कहा है कि हमारे फैंस को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही ये दर्शकों के सामने फिर से लॉन्च होंगे और बड़े पर्दे पर लॉन्च होंगे, तब तक के लिए हम सबको इंतज़ार करना होगा। और इसके साथ मुझे और पूनम को भी दें इजाज़त। नमस्कार।